हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। और आज हम बनाने वाले बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल स्वीट डिश पूरन पूरी। इसके लिए मैंने लिया है चना दाल और गुड़ और थोड़ी सी हल्दी है। गुड़ की जगह आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं और गुड़ की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके अलावा सौंफ, इलायची, सौंठ और एक जायफल है। और ये है डेसिकेटेड कोकोनट खोबरा खीस और थोड़ा सा ऑयल और घी। आप दोनों में से कोई एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है प्रेशर कुकर, उसमें मैं डाल रही हूँ दाल। दाल डाल के मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ। दाल इस ग्लास से एक ग्लास है तो मैं इससे तीन ग्लास पानी डाल रही हूँ। अगर वज़न में देखा जाए तो ये आधा किलो से थोड़ा सा कम है। अभी मैंने पानी डाला है, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी। हल्दी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मैं इसका कलर अच्छा येल्लो दिखना है इसलिए मैंने डाला है। उसके बाद मैंने उसे भीगने रख दिया है और इनका मैं पाउडर बना लूँगी, अच्छे से फाइन पाउडर। और गुड़ को भी मैं कूट के रेडी कर लूँगी। अब आधा घंटा हो गया है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डाल के प्रेशर कुकर बंद करके इसे 5 या 6 विजल आते तक मैं अच्छे से पका लूँगी। और जब प्रेशर अपने आप निकल जाएगा उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन ओपन करूँगी। तब तक के मैं आटा बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी गेहूँ के आटे का यूज़ किया है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। आप चाहो तो सिर्फ मैदा या सिर्फ गेहूँ के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ का यूज़ किया है। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और ऑयल डाल के इसका एकदम नरम आटा बनाना है। आटा आप जितना सॉफ्ट, जितना नरम बनाओगे पूरन पूरी उतनी अच्छी बनेगी, उतनी ही पतली बनेगी और इजीली उसकी जो चपाती है वो स्प्रेड होगी। अभी मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डाल के इसका एकदम नरम आटा बना के रख लूँगी। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि मैं इसके दो तीन मेथड हैं, उसमें से मैं आपको 2 मेथड बता रही हूँ और वो भी स्टेप बाय स्टेप और इजी वे में। अब आटा बन के रेडी है, मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अभी हम प्रेशर कुकर देखते हैं। प्रेशर कुकर को मैंने 6 विजल आने दिया है, उसके बाद इसे मैंने अपने आप प्रेशर निकलने दिया है। आप देख सकते हैं दाल काफ़ी अच्छे से पक गया है। दाल इस तरीके से पकना चाहिए ताकि आप उंगली में अगर उसे प्रेस करके देखोगे तो वो इजीली प्रेस होना चाहिए, इस तरीके से, मतलब दाल रेडी है। अब मैं एक छन्नी ले रही हूँ। छन्नी लेकर इसमें मैं दाल डाल रही हूँ ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो छन्नी में से निकल जाए। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही साइड में रख दूँगी। ये पूरन पोड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, पर वही है कि बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप इसे बनाने का प्लान कर रहे हो तो आप एक दिन पहले भी पूरन बना के रेडी कर सकते हैं। अभी मैंने गुड़ को अच्छे से कूट लिया है। अब हम देखते हैं दाल में से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था, पानी था, वो निकल गया। ये पानी से भी बहुत अच्छी डिश बनती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब दाल में से पूरा पानी निकल गया, इसको मैं सेम इसी कुकर में डाल रही हूँ। आप चाहो तो कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुकर थोड़ा सा चौड़ा है इसीलिए मैं आगे का स्टेप इसी में करने वाली हूँ। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अभी यहाँ पे मिक्सी का मैंने जार लिया है और ये हाथ से जो हम कूटते हैं हैंड ग्राइंडर, ये भी है। आप चाहो तो इसका भी यूज़ कर सकते हो, इसमें भी दाल को थोड़ा थोड़ा डाल के कूट सकते हो, या मिक्सी का जार भी यूज़ कर सकते हो, या फिर ये जो वेजिटेबल मैशर है, पोटैटो मैशर है, आप इससे भी इसे मैश कर सकते हो, या ये जो दाल घुटनी है इससे भी आप इसको अच्छे से मैश कर सकते हो। वैसे एक पूरन यंत्र आता है जिसे पूरन को फेंटते हैं, बट वो इजीली सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैं आपको ये वाला मेथड बता रही हूँ। इस तरीके से दाल को आप अच्छे से घोट लेना। घोटने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ गुड़ को। आप ये स्टेप गुड़ डालने के बाद भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए पहले हम लोग दाल को अच्छे से घोट लेंगे। घोटने के बाद उसमें गुड़ या शक्कर, आपको जो भी चॉइस है आप वो डालना। उसके बाद गैस के ऊपर रखना। गैस के ऊपर रखकर इस तरीके से मीडियम हाई फ्लेम पे कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए इसे पकाना है। गुड़ जैसे ही मेल्ट हो जाएगा दाल हमारा थोड़ा सा और पतला हो जाएगा, इस तरीके से। अब हमें दाल को तब तक पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। अभी मैंने सौंठ, सौंफ, जायफल और इलायची का पाउडर बना लिया था, उसको मैंने डाल दिया है दाल के मिक्सर में। डालकर अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका रही हूँ। ध्यान देना है इसे हमें कंटिन्यूसली मिक्स करना है, अदरवाइज़ ये नीचे बर्तन में लग जाएगा। अगर ये नीचे लग जाएगा तो उसमें से जलने का स्मेल आएगा, इसलिए एकदम इसे कंटिन्यूसली मिक्स करना है और गैस का फ्लेम हमें स्लो रखना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा घी, 1 स्पून घी डाल रही हूँ। घी डालने से इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा और ये नीचे बर्तन में भी नहीं लगेगा। और हमें लगातार इसको अच्छे से मिक्स करना है।
इसको आप जितना अच्छा पकाओगी पूरन का टेस्ट उतना ही अच्छा रहेगा। पूरन पूरी बनाते समय आप ये पूरन पहले से या एक दिन पहले भी बना के रेडी कर सकते हो, और नेक्स्ट डे या जब आपको बनाना है तब आप आटा गूंथ कर पूरन पूरी तुरंत तुरंत बना सकते हैं। बस पूरन बनने में ही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, जो सूखा नारियल होता है उसका पाउडर। आप इसे स्किप भी कर सकते हो, बट ये डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हमें इसको और अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है, और हमें उसे तब तक बनाना जब तक ये एकदम थिक गाढ़ा नहीं हो जाता है तब तक। अभी ये काफी अच्छे से पक गया है, ऑलमोस्ट गाढ़ा हो गया है। अब ये पूरा पका है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेट में थोड़ा सा पूरन ले लेंगे। थोड़ा सा पूरन लेके उसको गोला बना के देखेंगे। अभी मैं इसको प्लेट में ले रही हूँ, पर ये काफ़ी गर्म है तो मैं एक दो सेकंड रुक जाती हूँ, मतलब हैंडल होते तक। उसके बाद इसको इस तरीके से गोला बना के देखेंगे। अगर ये गोला बन रहा है मतलब हमारा पूरन बन के रेडी है, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। बस इस स्टेज पर हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, बट फिर भी हमें नीचे से मिक्स करना है, क्योंकि बर्तन अभी काफ़ी गर्म है और पूरन नीचे लग सकता है। इसलिए थोड़ी देर हमें इस तरीके से मिक्स करके फिर ठंडा करना है। अब आप देख सकते हैं पूरन ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो गया है, मतलब हमारा पूरन बनके परफेक्टली रेडी है। अब इसके हम लोग बॉल्स बना लेंगे। आप जिस साइज़ की पूरन पूड़ी बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसके बॉल्स बना के रेडी कर लेना। आप देख सकते हैं पूरन पूड़ी का जो पूरन है वो एकदम परफेक्टली रेडी है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, गीला नहीं है। इस तरीके से हमारा पूरन बन के रेडी होना चाहिए। अब बॉल बन गया है, मैं इसको रखूँगी साइड में। इसके पहले मैंने आटे को भी अच्छे से गूँथ लिया था। अभी मैं आपको पूरन पूड़ी बनाने का दो तरीका बताऊंगी, उसमें से मैं आपको पहला वाला बताऊंगी। अब पूरन भी रेडी है, आटा भी रेडी है। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक पॉलीथिन। आप कोई भी पॉलीथिन यूज़ कर सकते हैं, जो जनरली हम लोग दाल या शक्कर खरीदते हैं उसको मैंने काट लिया है। काटने के बाद अब मैं एक आटे का बॉल ली हूँ। आटे का बॉल आप देख सकते हैं पूरन के कंपेरिजन में छोटा है, इक्वल में नहीं है, थोड़ा सा आटा हमें कम ही लगता है। इस तरीके से हाथ से स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद, स्प्रेड करते समय हमें ध्यान देना है बीच में मोटा ही रहने देना है और साइड से पतला करना है। उसके बाद मैं एक पूरन का बॉल ली हूँ, लेकर मैं इसको आटे के बीच में रखी हूँ। आटे के बीच में रख कर आटे को इस तरीके से ऊपर उठाते हुए इसे पूरा पूरन को आटे से कवर करना है और हमें एक बॉल बना लेना है। इस तरीके से जब बॉल बन जाएगा उसके बाद ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा आटा है इसको तोड़कर हम लोग अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद इसको एक बार और अच्छे से हाथ से गोल घुमाते हुए राउंड बॉल बना लेंगे। बॉल बनाने के बाद हाथ से थोड़ा प्रेस करके इसके ऊपर मैं ऑयल या घी, आप जो भी लगाना है वो लगा लेना। यहाँ पे मैंने अभी ऑयल लगाया है। ऑयल लगाकर अब मैं पॉलीथिन को बंद कर दे रही हूँ ऊपर से, मतलब आप एक और पॉलीथिन भी रख सकते हो, दो पॉलीथिन लेकर, या फिर उसी पॉलीथिन को इस तरीके से फोल्ड करके हमें बंद करना है। बंद करने के बाद एकदम हल्के हाथों से इसे दबाते हुए इस तरीके से फैलाना है। बस धीरे धीरे ऐसे चारों ओर हाथ से स्प्रेड करते हुए फैलाना है। ये जो मेथड है ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, जो हमारी दादी नानी बनाती थी वो इसी तरीके से बनाती थी, पर वो केले के पत्तों का यूज़ करती थी। अब हम लोग पॉलीथिन का यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से हमें हल्के हाथों से इसे फैलाना है। ये इजीली इसलिए भी फैल रहा है क्योंकि इसका जो आटा है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना था, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना था। जैसे हम लोग आटे को खींचते ना, वो रबर की तरह से खींचाना चाहिए, तभी इस तरीके से ये इजीली स्प्रेड होता है। अब ये पूरन पूड़ी परफेक्टली बनके रेडी है। मैं आपको पॉलीथिन उठा के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना पतला पूरन पूड़ी बनके रेडी है। आपको लग रहा होगा पूरन बाहर निकल कर आएगा, बट ये बाहर नहीं निकलेगा। जब हम इसको तवे के ऊपर डाल के सेकेंगे तो ये एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा और पूरन पूड़ी बहुत अच्छे से बनके रेडी हो जाएगी। अभी मैंने तवा गर्म होने रख दिया था, उसके ऊपर मैंने डाला है थोड़ा सा घी। घी डाल के मैं इसको अच्छे से फैला रही हूँ। घी की जगह आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पूरन पूड़ी। डालकर अब हम लोग जैसे ये थोड़ा सा सिक जाएगा उसके बाद इसके ऊपर घी डालकर ऊपर नीचे पलटते हुए इसको अच्छे से सेक लेंगे, वैसे जैसे हम लोग नॉर्मल बाकी पराठे को सेक लेते हैं। ये पूरन पूड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हम लोग शक्कर का यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग गुड़ का यूज़ कर रहे हैं। और बनाने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट जब आप बनाओगे उसके बाद खाओगे या दूसरों को खिलाओगे
तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब ये पूरनपोड़ी बनके रेडी है, मैंने इसको निकाला है प्लेट में, आप देख सकते ये एकदम परफेक्टली बनके रेडी है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बता रही हूँ, ये भी एकदम आसान है। इसमें भी सेम वैसे हम लोग आटे का एक लोई लेते हैं, हाथ से इस तरीके से फैलाएंगे, फैलाने के बाद इसके ऊपर हम लोग रख रहे हैं पूरन का एक बॉल, फिर इसको भी आटा उठा के इस तरीके से कवर करना है। कवर करने के बाद ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा आटा है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। निकालने के बाद थोड़ा सा आटा डस्ट करके इसको पहले हाथ से थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, उसके बाद बेलन से इसको हल्के हाथों से हमें पतला रोटी बेलना है। यहाँ पे मैंने पूरन यंत्र का यूज़ नहीं किया, ना मिक्सी का जार का यूज़ किया है, इसलिए आप देख सकते हैं पूरन पूड़ी में कहीं कहीं हल्का सा दाल दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद है तो आप पूरन यंत्र का यूज़ कर सकते हो या मिक्सी के जार में डाल के भी ग्राइंड कर सकते हो, पर अगर मिक्सी के जार में आप डाल के ग्राइंड करोगे तो पूरन का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। अब ये रोटी भी बन के रेडी है, इसको भी मैं सेम वैसे ही सेक लूँगी, ये भी एकदम पतली रोटी बन के रेडी है। हाँ, और बेलते समय आप चाहो तो चावल आटे का भी यूज़ कर सकते हो, चावल आटे का भी यूज़ करने से रोटी एकदम पतली बन जाती है, बट मैंने गेहूं के आटे का यूज़ किया था। अभी मैंने इसको डाला तवे के ऊपर, इसको भी सेम ऊपर नीचे घी लगाकर हम लोग सेक लेंगे। पूरन पूड़ी बनाना बहुत आसान है, बट जैसे कि मैंने पहले भी बोला था पूरन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप ये पूरन पहले से बनाकर फ्रिज में रख सकते हो। एक बार अगर आप पूरन बना लेते हो तो ये 15 दिन तक ख़राब नहीं होता है, अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो। फ्रिज के बाहर रखकर आप इसे 2 से 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। और ये पूरन पूड़ी गरम गरम ठंडी ठंडी दोनों अच्छी लगती है, नेक्स्ट डे खाओ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो, दूध के साथ, दही के साथ, या ऊपर से घी डाल के ऐसे ही खाओ तो और भी टेस्टी लगता है। अब ये भी बन के रेडी है, इसी तरीके से हम लोग बाकी सारे पूरन पूड़ी बना के रेडी कर लेंगे। अब हमारे सारे पूरन पूड़ी बन के रेडी है, अब आप भी ये पूरन पूड़ी ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।